प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एमएपीएस 109 विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान इकाई 6 विदेश नीति। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कामना यादव, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूपी। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान में और विदेश नीति चैप्टर में इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में सबसे पहले हम देखते हैं विदेश नीति के अर्थ एवं लक्ष्य को स्पष्ट करना, विदेश नीति के निर्धारक तत्व कि कौन कौन से तत्व होते हैं, और विदेश नीति के साधन कि विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व हैं और उसके लिए निर्धारण करने के लिए कौन कौन से हमें साधन को अपनाना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में प्रत्येक देश के अन्य देशों के साथ किसी न किसी प्रकार के संबंध होते हैं। आज नई टेक्नोलॉजी के युग में संपूर्ण विश्व एक दूसरे से जुड़ चुका है, इसलिए किसी भी देश की गतिविधियां अन्य देश को प्रभावित करती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्माण करना आवश्यक अंग बन गया है। तो प्रत्येक देश आज जो है इंटरनेट की दुनिया है और न्यू टेक्नोलॉजीज इंटरनेट की वजह से सभी देश एक दूसरे से एकदम करीब से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी देश में किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं तो वो अन्य देश में उसको पता चल जाता है, तुरंत ही वो खबर वायरल हो जाती है और पूरे विश्व में ये चीज़ जो है प्रभावित करती है, अन्य देश भी उससे प्रभावित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विदेश नीति का अर्थ। विदेश नीति का अर्थ क्या है? इसमें है भाई प्रत्येक देश के अन्य देशों के साथ किसी प्रकार के संबंध होते हैं। आज नई टेक्नोलॉजी के युग में पूरा देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए किसी भी देश की गतिविधियां अन्य देश को प्रभावित करती हैं। और विदेश नीति का अर्थ प्रोफेसर हिल ने बताया है कि विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है। तो प्रोफेसर हिल ने यही बताया है कि किसी भी देश का अन्य देशों से जो प्रयास होता है, संबंध होते हैं, तो उन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए और जो उनके किए गए प्रयासों का जो एक परिणाम निकलता है वही विदेश नीति कहलाता है। क्योंकि हम जो है अन्य देशों से जो संबंध बनाते हैं तो वो संबंधों को जो बाद में जो परिलक्षित होता है और विदेश नीति के रूप में तो वही जो है परिणाम परिलक्षित होता है। इसके आगे हम देखते हैं विदेश नीति का लक्ष्य। विदेश नीति तो हमने मतलब बनाया है, विदेश नीति किसी अन्य देश से संबंध बनाया है, लेकिन बनाने का लक्ष्य क्या होता है ये हम समझने का प्रयास करेंगे। क्यों हम विदेश नीति बनाते हैं, अन्य लोगों से क्यों संबंध बनाते हैं, इसको जो है हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला नंबर है राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा। तो हमको विदेश नीति अपने विदेशों से संबंध बनाने का जो है लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, पहला कि हमको जो है अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना है। तो हमको अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा कैसे करना है? हमको जो है अपने सैन्य संसाधन, टेक्नोलॉजी और अस्त्र शस्त्र इससे लैस वैस कराना है अपने देश की पूरी सीमाओं को। अगर हमारे पास पर्याप्त संसाधन है तो हम अपने पर्याप्त संसाधन के अनुसार हम अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। अगर साधन में कुछ कमी आ रही है तो हम उन साधनों की पूर्ति कैसे करते हैं? उन साधनों की पूर्ति हम विदेश के अन्य जो देश हैं तो अन्य देशों के जो है हम संसाधनों की जो है उनके संसाधनों की जो है मांग करते हैं कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए
अन्य देशों से भी हमें जो जरूरी होती है चीजें उसको हम जो है मित्रता पूर्वक, जैसे कि मित्रता हम क्यों निभाते हैं, जैसे कि कोई हम व्यक्ति से व्यक्ति जब मित्रवत होता है तो एक दूसरे की जरूरतों का वो ख्याल रखता है, तो इसी प्रकार जो देश एक दूसरे से जो मित्रवत होते हैं तो मित्र राष्ट्र जो मित्रता हो जाती है, तो उनसे इसीलिए तो मित्रता की जाती है कि एक दूसरे के जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो इसीलिए अगर हमारे पास जो चीज़ की अधिकता है तो हम जो है उसको हम अन्य देश को देंगे, और हमारे पास जिस चीज़ की कमी है तो हम उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, अन्य देशों से हम जो है उनकी मांग करके, हम अपने अन्य देशों से मांग करके अपने देश के हितों की पूर्ति कर लेंगे। तो इसी वजह से मित्रता होती है अन्य देशों के साथ, किसी भी देश के साथ संबंध इसीलिए होते हैं कि हम एक दूसरे की जरूरतों को हम पूरा कर सकें। तो राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा जो हम इसी प्रकार हम करेंगे, या तो अपने संसाधनों से करेंगे, जब अपने संसाधन कम पड़ेंगे तो हम अन्य देशों की मदद लेंगे और जो है संसाधनों को लेकर के हम अपने देश की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बहुमुखी विकास। तो हम अन्य देशों से मित्रवत इसलिए होते हैं, हम अन्य देशों से मित्रता और जो विदेशी संबंध इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको जो है अपने देश का जो है बहुमुखी विकास करना है। बहुमुखी विकास का मतलब होता है कि चारों ओर, जैसे कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक सभ्यता और धार्मिक राजनैतिक सभी चीज़ों का जो हमको विकास करना है, देश के चारों तरफ हमको विकास करना है, इसलिए हम जो है अन्य देशों से मित्रवत होते हैं, अन्य देशों से हम संबंध बनाते हैं क्योंकि हमको अपने देश का विकास करना है, चहुमुखी विकास करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आर्थिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य में आ जाइए इस पे, जैसे कि उद्योग धंधों का विकास करना है। अब वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के युग में उद्योग धंधों का विकास जो देश की रीढ़ बन गया है, किसी भी देश के जो उद्योग धंधों का अगर विकास हुआ है, आर्थिक चीज़ों का विकास हुआ है, तो माना जाता है कि जो है वो देश बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में है, क्योंकि पहले प्राचीन काल में सैन्य संसाधन जिसके पास ज़्यादा होते थे तो माना जाता था कि उस देश का जो है उतना ही ज़्यादा विकास हुआ है, उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली हुआ है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ये जो अवधारणा बदल चुकी है और सैन्य संसाधन, सैन्य शक्ति संसाधन का स्थान किसने ले लिया है, आर्थिक संसाधन ने ले लिया है। तो आर्थिक संसाधन जिसके पास होता है और जिसके पास आर्थिक संसाधन सबसे ज़्यादा होता है वह देश उतना ही शक्तिशाली माना जाता है, और इसीलिए आर्थिक संसाधनों को जो है प्रत्येक देश आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे से संधि समझौते करते हैं ताकि उसका व्यापार बढ़े, आर्थिक गतिविधियां बढ़े, उद्योग धंधों का विकास हो। अगर उद्योग धंधों का विकास किसी देश का कम हुआ है तो जो वर्ल्ड बैंक है तो उससे जो है ऋण लेकर के अपने उद्योग धंधों का विकास करते हैं और जो है फिर ऋण अदा भी करते हैं। तो उद्योग धंधों का विकास बहुत ही जरूरी माना जाता है और आर्थिक गतिविधियों किसी भी देश की विकास की रीढ़ उद्योग धंधों का विकास माना जाता है, क्योंकि उद्योग धंधों से हमारे देश का प्रोडक्शन अधिक होता है जो कि जनसंख्या की जो है विकास, जनता के लोगों के विकास के लिए लाभकारी होता है और लोगों को रोजगार मुहैया होता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में जो है रोजगार के क्षेत्र जैसे कि खुले हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, सभी लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उद्योग धंधों में कुछ लोग नौकरियां करते हैं, तो इससे हमारे देश की जनसंख्या पूरी जो है रोजगार उनको प्राप्त हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। इसलिए देश में उद्योग धंधों का विकास बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर चार पर, विदेश नीति के लक्ष्य में विश्व शांति में सहयोग करना। विश्व शांति में हमको सहयोग करना चाहिए, हमको विश्व शांति में सहयोग करने के लिए हम विदेश नीति का हम लक्ष्य लेते हैं, अन्य देशों से हम संबंध बनाते हैं ताकि हम विश्व शांति में अपना सहयोग कर सकें। विश्व में कहीं भी यदि जैसे कि वर्तमान समय में जो है युद्ध रत है, दो देश
और जैसे कि हमास, इजराइल और यूक्रेन और रूस, तो ये विश्व में, विश्व स्तर पर ये दो चार देश युद्धरत हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे? हमारा ये कर्तव्य नहीं है, किसी भी देश का ये कर्तव्य नहीं है कि यदि युद्ध चल रहा है तो युद्ध को हम बढ़ावा दें, क्योंकि युद्ध से जनधन की हानि होती है और युद्ध से किसी का लाभ नहीं होता है, सिर्फ नुकसान के सिवा। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, पूरे विश्व के सभी देशों का कर्तव्य है कि शांति की स्थापना में अपना अपना सहयोग दें। अगर वार्ता, हमारी वार्ता से शांति स्थापित हो रही है तो हम वार्ता में सहयोग करेंगे। अगर हमारे अन्य कहीं भूमिका नजर आ रही है तो हम अपनी अन्य भूमिका, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अन्य देशों से हम सहयोग की अपील करेंगे, शांति की अपील करेंगे तथा युद्ध की, जो है युद्ध बंद करने की भी अपील करेंगे, क्योंकि युद्ध से जनधन की हानि होती है और लाभ कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हमको विदेश नीति के माध्यम से अपने, जो है हमको विश्व शांति में सहयोग करना है। सैन्य उद्देश्य विदेश नीति का लक्ष्य एक है। सैन्य उद्देश्य विदेश नीति का एक लक्ष्य है, सैन्य उद्देश्य। तो सैन्य उद्देश्य, सैन्य का अर्थ है, सैन्य उद्देश्य का अर्थ है हमें जो है अपनी सेनाओं को जो है सशक्त बनाना है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र के पास यदि सेनाएं हैं, आर्थिक संसाधन अच्छे मात्रा में है, तो उस देश से हम सैन्य इसलिए हम नहीं एकत्रित करते हैं, सैन्य संसाधनों को इसलिए नहीं बढ़ाते हैं, हमको युद्ध करना है, युद्ध हम नहीं करना है, हमको अपने सैन्य संसाधन, अपनी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमको जो है अपने सैन्य संसाधन को हमें जो है डेवलप करना है, अपनी सैन्य शक्ति को हमको बढ़ाना है। इसलिए हम जो है विश्व में विदेश नीति के माध्यम से अपनी सैन्य शक्ति को हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको जो है अपने देश की सुरक्षा जो है बढ़ाना है, सुरक्षा को जो है सुरक्षा हमारी प्रभावित ना हो, इसलिए हमें सैन्य संसाधन को हमको जो है बढ़ाना है। इसके बाद आ जाते हैं छठवें नंबर पर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्य। तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्य है हमारे विदेश नीति का लक्ष्य में। धार्मिक और सांस्कृतिक, इसमें इसका अर्थ है कि जो हमारी धार्मिक, धर्म का अर्थ होता है कि जो हमें जो कर्तव्य परायणता जो हमको सिखाई जाती है, जो हमें जो है धर्म का उद्देश्य आडंबर नहीं है, धर्म का उद्देश्य है, हम धर्म हर चीज में शामिल है, हमें आर्थिक चीज में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में धर्म शामिल है। धर्म का अर्थ होता है अपने जो है हमको कर्तव्य का पालन करना, तो हमें जो है कर्तव्य का पालन से हमको जोड़ के धर्म को देखना चाहिए। और हमारी जो धार्मिक चीजें हैं, हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि हम जो है धार्मिक, हमारे देश में धार्मिक चीजें रही हैं और हर चीज धर्म से रेगुलेट होती रही हैं। धर्म के मार्ग पर चलेंगे, कर्तव्य से के मार्ग पर चलेंगे तो हम कभी विचलित नहीं होंगे और हम जो कुमार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे। अभी जैसे कि हमारे देश में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और जो है उसका मोदी जी ने जो है उसका उद्घाटन भी किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम अपने धार्मिक और कर्तव्यों को जो हम जोड़ करके व्यक्ति को सही मार्ग दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं। और संस्कृत और सभ्यता, हमारी बहुत ही प्राचीन सभ्यता रही है, बहुत प्राचीन संस्कृति रही है और हम जो है उसको विश्व में दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारी जो धार्मिक और सांस्कृतिक चीजें हैं बहुत ही यूनिक चीजें हैं, जैसे कि उसमें अहिंसा, सत्य और जो है सहिष्णुता, ये सब चीज का समावेश किया गया है और जो है समानता और सबकी भागीदारी समाज में, इस प्रकार के जो है उद्देश्य हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में छुपे हुए हैं। तो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक चीजें बहुत ही यूनिक हैं और जो है हम विश्व में, विश्व जगत में उसको दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो है जैसे कि राम की चीजों को, राम ने जो जो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो उन्होंने जो चीज जिस प्रकार से अपने प्रजा को जो है पालन करने का, प्रजा का पालन किया उन्होंने और जो है अपने कर्तव्यों का पालन किया, प्रजा का जो उन्होंने रक्षा से संबंधित सारी चीजें चीजों को दिखाया है, तो उन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो है हम विश्व जगत में दिखाना चाहते हैं कि जो है हमारी चीजें बहुत ही यूनिक चीजें थी और हमारी जो है
प्रासंगिकता बनी हुई है। हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक चीज़ें आउटडेटेड कभी नहीं हो सकती हैं और समय के साथ साथ हमेशा जो है अपडेट होती रही हैं और जो है समय के साथ साथ हमेशा चलती रहती हैं। वो चीज़ें कभी भी हमारी जो है पुरानी अवधारणा नहीं पड़ती है और हमेशा समय के साथ साथ हमने उन चीज़ों को टेक्नोलॉजी से भी हमने जोड़ा है, जैसे कि योग वगैरह, योग आध्यात्म को हमने जो है साइंटिफिक तरीके से भी हमने उसको जोड़ने का प्रयास किया है। वो कभी भी जो है आउटडेट नहीं हो सकता है, अपडेट ही रहता है। तो हमारे जैसे योग करना तो ये भी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, इसलिए हमें जो है धर्म के मार्ग पर हमको चलना है, मतलब कर्तव्य का पालन करना है, कर्तव्य से अवरुद्ध नहीं होना है। इसके बाद हमको हम देखते हैं विदेश नीति के निर्धारक तत्व। विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? आंतरिक तत्व और जो है बाह्य तत्व, ये हमारे प्रमुख दो तत्व हैं। तो हम आंतरिक तत्वों में देखते हैं भौगोलिक तत्व, प्राकृतिक संपदा, जनसंख्या, भौगोलिक संसाधन, क्षेत्रफल, जलवायु, स्थल रूप रेखा आदि। और मानवीय संसाधन में आ जाता है जनसंख्या, राष्ट्रीय जाति विन्यास आदि, तकनीकी संसाधन। अन्य संसाधन है खाद्य भंडार, अस्त्र शस्त्र, पूंजी, राष्ट्रीय आय। और अमूर्त में आता है संसाधन राष्ट्रीय चरित्र, मनोबल, राष्ट्रवाद, बुद्धि, नेतृत्व, दूरदर्शिता, विचारधारा, कूटनीति का गुण। तो ये हो गया हमारे आंतरिक तत्व। आंतरिक तत्व भौगोलिक, जनसंख्या, हमारा भूभाग कैसा है, हमारा जो है उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, ये सब चीज जो हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ की जलवायु है, हमारे यहाँ सभी फसलें पाई जाती हैं, जाड़ा गर्मी बरसात होता है। और जनसंख्या हमारी जो है विश्व में नंबर एक हो गई है। राष्ट्रीय चरित्र, मनोबल, राष्ट्रीय चरित्र कैसा है? राष्ट्रीय चरित्र हमारा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे जो है अच्छे लीडरशिप बहुत अच्छे हाथों में है और हमारा देश प्रगति कर रहा है, देश के विकास की दिशा में बहुत आगे दौड़ रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है देश। तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में हमारी वृद्धि हो रही है। और अन्य संसाधन खाद्य भंडार, अस्त्र शस्त्र, पूंजी, ये सब चीज़ का जो हमारा जो है विकसित अवस्था में हम लोग विकास कर रहे हैं और विकसित अवस्था में पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद बाह्य तत्व हम देखते हैं शक्ति, संधि, समझौते, विश्व संगठन, विश्व जनमत आदि। तो विदेश नीति में ये बाह्य तत्व मायने रखते हैं कि शक्ति हमारे देश के शक्ति क्या है? शक्ति वही है जो हमारी जैसे कि सैन्य संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, इन संसाधनों से हम संपन्न रहेंगे तो माना जाता है कि हम बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं और धीरे धीरे हम जो हमारी शक्ति बढ़ रही है, हमारे देश की शक्ति। और संधि समझौते, हम अन्य देशों के साथ संधियां और समझौते इसीलिए करते हैं ताकि हमारे देश में आ करके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो है हमारे टेक्नोलॉजी का और जो है विकास होगा और जो हमारा देश प्रगति के मार्ग पर और आगे बढ़ेगा। और समझौतों के माध्यम से हम अन्य देशों के साथ मिल करके अपने ट्रेड व्यापार को जो है विकास अवस्था में ले जाएंगे और विकसित अवस्था में होगा तो हमारा देश विकास की गति में आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद विश्व संगठन, विश्व जनमत आदि। तो विश्व संगठन, विश्व में जैसे संगठन है, यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व जनमत है। तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भी हम जो है विश्व से अच्छे संबंध रखते हैं, अच्छे रिलेशन रखते हैं। जो विश्व व्यापार संगठन है तो उसके माध्यम से हम जो है व्यापार को भी हम गति देते हैं। जो यूनो है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो उसकी नियम शर्तें, एक सदस्य देश होने के नाते हम एक जिम्मेदारी पूर्वक हम जो निभाते हैं, जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, और किसी संधि समझौतों का उल्लंघन नहीं करते हैं। और हम संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ हम सहयोग की भावना रखते हैं और जो है शांति में शांति एवं समझौते, ये सब चीज़ का हम सम्मान करते हैं। और इसके आगे हम देखते हैं जनमत। जनमत क्या होता है? जनता का मत। अगर कोई भी राष्ट्र, जैसे तानाशाही, जैसे कि उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया एक तानाशाही, हम जनमत को लेकर के हमको चलना चाहिए, हम जनमत से इनकार नहीं कर सकते, चाहे राष्ट्र का मामला हो, चाहे विश्व का मामला हो। और हम
तानाशाही रवैया कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर हम विश्व स्तर की हम बात करें तो हम जो है उत्तर कोरिया की हम बात कर रहे हैं जैसे कि, तो उत्तर कोरिया में एक तानाशाही शासक का रवैया है, तो इस वजह से जनमत उनके साथ नहीं है। और हम हमारे देश में और जो है जो जैसे कि हमारे जैसे अन्य सभी देश है तो उनके साथ जनमत है। जनमत का मतलब विश्व का मत, विश्व राष्ट्र उनसे खुश हैं और जो है उनके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। अगर उनके गतिविधियों से कोई राष्ट्र खुश नहीं होता है तो सहयोग भी नहीं करने को तैयार होता है। इसलिए हम जो सारी नियम शर्तों के अनुसार हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी शर्तों को, सभी जो है मान्यताओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अगर जैसे कि उत्तर कोरिया है तो उसके साथ पूरा विश्व क्या रहता है, नाराज रहता है, तो उस सहयोग नहीं करेगा। अगर सहयोग जिसका नहीं करेगा तो उसका विकास संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश को अपना विकास करने के लिए सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने लिए अपने उसमें अपने संसाधनों में परिपूर्ण नहीं होता है, तो मित्रवत इसीलिए होते हैं ताकि हम एक दूसरे के जरूरतों को पूरा कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं विदेश नीति के साधन। तो विदेश नीति के साधन में कौन कौन से साधन है जिसे हम विदेश नीति के लक्ष्यों को हम पूरा हमको करना है, तो साधन में आ जाता है संधि वार्ता समझौते। तो विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संधि समझौते वार्ता, तो हमको जो है संधि करना है, समझौते करना है। जैसे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं विदेश यात्रा पर क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं अन्य देशों पर, अन्य देशों में जाते हैं इसलिए कि संधि समझौते कई मुद्दों पर करना होता है। जैसे हमको अंतरिक्ष में इन्वेस्टमेंट करना है, उद्योग धंधों में इन्वेस्टमेंट करना है, और अपने पनडुब्बियों का विकास करना है, अस्त्र शस्त्रों का विकास करना है, विज्ञान तकनीकी ये सब चीज का विकास करना है, तो हमको अन्य देशों से हम जो है संधि समझौते करते हैं ताकि हम संधि और समझौतों के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सके, अपने विदेश नीति की हम जो पूर्ति कर सके, विदेश नीति के लक्ष्यों को हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है आर्थिक सहयोग संगठन, आर्थिक सहयोग संगठन WTO, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। तो इस समय इससे इसके जो है राष्ट्र सदस्य देश हैं 164 सदस्य देश हैं, तो इसमें हमारी जो है बहुत अच्छी भागीदारी है। और WTO के माध्यम से हम अपने ट्रेड व्यापार को जो है वृद्धि दे रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है, और WTO के माध्यम से हम अपने व्यापार को जो है गति दे रहे हैं, हमारा व्यापार बढ़ रहा है, हमारा व्यापार अच्छी उन्नत अवस्था में है, और आयात निर्यात के माध्यम से हम अपने व्यापार को जो हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जिन चीज़ों के खाद्यान्न जैसे आपूर्ति हमारे यहाँ जो है कम हो रही है तो उसको हम आयात के माध्यम से पूरा करते हैं। वैसे प्रोडक्शन में हमारा तो एक कृषि प्रधान देश है तो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मात्रा में सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि गन्ना है, जूट है और चाय है, तो ये सब चीज़ से खाद्यान्न में भी पर्याप्तता रहती है। लेकिन कभी कोई चीज़ की जब कमी होती है तो हमको आयात के माध्यम से उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि विश्व जगत में हमारा व्यापार बढ़ता रहे और ट्रेड व्यापार को हम बढ़ाते रहें, और जो है ट्रेड व्यापार के माध्यम से अपने हम जो है गति देते रहें। फिर इसके बाद आ जाइए प्रचार, हम अपना प्रचार करते हैं कि जो है हमारा देश जो है बहुत अच्छी कंडीशन में है, प्रचार प्रसार और कूटनीति के माध्यम से, और तथा जो है युद्ध का सहारा तो अंत में ही लिया जाता है, युद्ध कोई मायना नहीं है, और जो है युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है, युद्ध से बचने का ही प्रयास किया जाना चाहिए। फिर अंत में देखते हैं विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, आंतरिक एवं बाह्य तत्वों को ध्यान में रखकर नीति का निर्माण किया जाता है, अपना राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। तो इसके बाद ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।